प्रदेश के उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम पिनौरा निवासी आदिवासी युवती चंद्रवती कौल आग लगने से उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसे 108 नंबर एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी था। उपचार के दौरान युवती पिछले 3 दिनों से जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, लेकिन देर रात अचानक उसकी मौत हो गई। वहीं मृतिका चंद्रवती के पिता राम कुमार कौल ने बताया कि चूल्हे में खाना बनाते समय चिमनी उसके कपड़ों में गिर गई, जिसके कारण आग लगने से यह घटना घट गई। वहीं पुलिस की उपस्थिति में मृतिका का डॉक्टर द्वारा पीएम करवाया गया और पीएम कार्यवाही के बाद शव उसके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। इसके माँ बाप खेत गए हुए थे, बच्ची खाना बना रही थी और लाइट तो रहती नहीं है, लाइट है रूठी भी नहीं, वहाँ लाइट न होने के कारण चिमनी जलाते हैं लोग, तो चिमनी जला के और ऐसे बना लेते हैं रखने के लिए, उसमें रखी हुई, तो अचानक वो ऐसे धोखे से खड़ी हुई, चिमनी सिर में लगी उसकी और चिमनी गिर गई चूल्हे के ऊपर, तो तेल जो है चिमनी का तेल ढक्कन खुल गया चूल्हे में पड़ा और एकदम से आग पकड़ ली, उसमें लड़की जल गई। जिला चिकित्सालय उमरिया में अभी जो अभी अभी कुछ समय पूर्व एक महिला जो कि जलने के पश्चात उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में उमरिया में भर्ती थी, उसका निधन हो गया है। उसकी मृत्यु की सूचना मेरे द्वारा पुलिस को, जैसे मेरी बेटी की मृत्यु हो गई है, जिला उमरिया में लाई गई। खाना बना रही थी लड़की चूल्हे में, डिब्बी रख रहे पावा में, उठा तो पता नहीं कैसे कैसे डिब्बी गिर गया, तो चूल्हे के आग उसमें लगे लड़की में। उसकी मम्मी पापा नहीं रहे, खेत में रहे।